सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माई अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस कुछ दिन पहले मैं टाइगर श्रॉफ सर का एक ड्राइंग बनाई थी ऑयल पेस्टल से, और उस वीडियो को आप काफी ज्यादा पसंद भी किए हो, और मुझे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि उस ड्राइंग का एक ट्यूटोरियल और रियल टाइम वीडियो अपलोड करने के लिए। तो आज की वीडियो पे आप उस ड्राइंग का ही एक ट्यूटोरियल देखोगे। और गाइस आप में से बहुत लोग पूछते हो कि मैं ऑयल पेस्टल के लिए कौन सा पेपर यूज करती हूँ। अगर आप मेरे पहले की वीडियोस देखे हो तो आपको पता ही होगा, मैं उसमें दिखाई भी हूँ। एक बार फिर से मैं दिखा देती हूँ। तो यही है वो ड्राइंग बुक, देख सकते हो बच्चे लोग जो यूज़ करते हैं इस ड्राइंग बुक के अंदर जो पेज है ऐसे, तो इसी पेज में मैं ऑयल पेस्टल से ड्राइंग करती हूँ। और ये क्लास नोट का एक ड्राइंग बुक है, इसमें 76 पेजेस है और इसका प्राइस है 45 रुपीस। और इस ड्राइंग बुक से मैं एक एक करके पेज को कट के लेती हूँ। तो देखो ऐसा करके कुछ पेजेस को कट के लिया। इस पेज को इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरे पास और कोई भी पेपर नहीं है, तो ये ड्राइंग बुक ही मेरे पास थी तो इसलिए इसमें ही ड्राइंग करती हूँ अभी। और मैं जो ऑयल पेस्टल यूज़ करती हूँ वो है पोलो ऑयल पेस्टल कलर, देख सकते हो इसमें 25 ऑयल पेस्टल कलर है। और ये इजीली मिल जाएगा मार्केट में आप लोगों को, इसका प्राइस है ओनली 80 रुपीस। काफी ज्यादा सॉफ्ट ऑयल पेस्टल है, आप भी यूज कर सकते हो। तो गाइस वीडियो को अच्छे से एंड तक देखना, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ जाए। और इस रेफरेंस फोटो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। तो देखते रहो वीडियो को, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो कमेंट में बोल देना। तो गाइस पहले आपको क्या करना है देखिए, पेल ऑरेंज जो है आई मीन स्किन कलर, उसी कलर से आपको पूरे फेस पे अप्लाई करना है धीरे धीरे। आई मीन स्किन कलर जिस जिस जगह पे है जैसे कि नेक पे, ईयर्स पे, पहले स्किन कलर को अप्लाई करना है धीरे धीरे। देखिए यहाँ पर मैं भी कर रही हूँ, आईब्रोज और आईज के व्हाइट पार्ट को छोड़ के पूरे फेस पे अप्लाई करना। तो देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, और ये अभी देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है बट ऐसे ही करना है आपको। और फिर अप्लाई करने के बाद इस कलर को ब्लेंड करना है। तो मैं यहाँ पर एक कॉटन कपड़े का टुकड़ा लेके ब्लेंड कर रही हूँ, आप चाहो तो टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हो। मुझे तो टिश्यू पेपर से अच्छा नहीं लगता है इसलिए मैं कॉटन कपड़े का ही यूज़ करती हूँ, इससे मुझे ज़्यादा स्मूथ लगता है, आप ट्राई करके देख सकते हो एक बार। और अगर आपको टिश्यू पेपर से ही अच्छा लगता है तो वो भी यूज़ कर सकते हो। तो देख सकते हो अब कितना स्मूथ लग रहा है, और ऐसे ब्लेंड करने के बाद। और देखो गाइस जब आप आईब्रोज को ड्रॉ करोगे देन पहले ही ब्लैक कलर को मत यूज़ करना, पहले हल्का करके ब्राउन कलर को अप्लाई करना और फिर ब्लेंड करने के बाद ब्लैक कलर को यूज़ करना और फिर ब्लेंड कर देना। तो देख सकते हो मैं भी पहले ब्राउन कलर को यूज़ किया एंड देन ब्लैक कलर को यूज़ किया, और ऐसे ब्लेंड करने के बाद ब्लैक कलर पेंसिल से आईब्रोज की हेयर्स को ड्रॉ करना। देखिए मैं भी ऐसे ही करती हूँ। और फिर स्किन शेडिंग के लिए स्किन कलर को अप्लाई करने के बाद ब्राउन कलर से रेफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके जिस जगह पे डार्क है वहाँ बस अप्लाई करना है और फिर ब्लेंड करना है। बट ऑयल पेस्टल में लाइट और डार्क ब्राउन भी है, तो आप कौन सा ब्राउन कलर चूज करोगे ये भी बात है, तो आपको पहले लाइट ब्राउन ही यूज़ करना है। देखिए मैं यहाँ पर लाइट ब्राउन से ही कर रही हूँ। और एक बात ज़रूर ध्यान रखना, कलर को जितनी बार अप्लाई करोगे उतनी बार ही ब्लेंड करना है, और ब्लेंड करने के लिए आप टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हो। और देखो लाइट ब्राउन को अप्लाई करने के बाद अगर और भी डार्क चाहिए तो आप डार्क ब्राउन को अप्लाई करना, देखिए यहाँ पर मैं यूज़ किया हूँ। तो ऐसे ही आपको डार्क और लाइट वैल्यूज को ऑब्जर्व करके शेडिंग करते जाना है। सो ऐसे ही आप डार्क एरियाज में ब्राउन कलर से शेडिंग कर सकते हो।
ध्यान में रखना, स्किन कलर को अप्लाई करने के बाद ही ब्राउन कलर को अप्लाई करना। और देखो, लाइट ब्राउन को अप्लाई करने के बाद अगर और भी डार्क चाहिए तो आप डार्क ब्राउन को अप्लाई करना। देखिए, यहाँ पर मैं नोज़ पे किया हूँ क्योंकि रेफरेंस में थोड़ा डार्क है। और थोड़े बहुत हाईलाइट करने के लिए मैं व्हाइट ऑयल पेस्टल को ही यूज़ कर रही हूँ। और अगर आपको ज़्यादा हाईलाइट चाहिए तो स्किन कलर को अप्लाई करते वक्त जिस जगह पर ज़्यादा हाईलाइट है उसी जगह पे कलर को छोड़ सकते हो पहले से ही। और देखो, मैं पहले आपको बताया कि आइस को ड्रॉ करने के लिए आपको कलर पेंसिल को ही यूज़ करना होगा क्योंकि इतने छोटे जगह पे आप ऑयल पेस्टल को नहीं यूज़ कर सकते। तो देखिए, यहाँ पर मैं आई लाइन्स और आई बॉल्स को कलर पेंसिल से ही ड्रॉ कर रही हूँ। और आई बॉल्स को ड्रॉ करने के लिए पहले येलो कलर पेंसिल को अप्लाई कर रही हूँ, देन येलो कलर के ऊपर ब्राउन कलर पेंसिल को अप्लाई करूँगी। और देखो, बियर्ड्स को कैसे ड्रॉ करना है। देखो, इस रेफरेंस में तो बियर्ड हल्का ब्राउन दिख रही है, तो उसके लिए पहले मैं लाइट ब्राउन कलर को हल्का करके अप्लाई कर रही हूँ और फिर ब्लेंड करना। और ब्लेंड करने के बाद ब्लैक कलर पेंसिल से हल्का करके बियर्ड के हेयर्स को ड्रॉ कर रही हूँ। ज़्यादा प्रेशर का यूज़ मत करना, हल्का करके ही ड्रॉ करना। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। और अगर आपको फिर भी समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट में बोल सकते हो, मैं बियर्ड के लिए अलग से ट्यूटोरियल करके अच्छे से आप लोगों को दिखाऊँगी। Thank you.
और देखिए यहाँ पर थोड़े डार्क बियर्ड है, तो उसके लिए पहले डार्क जगह पे ब्लैक ऑयल पेस्टल को यूज़ कर रही हूँ और थोड़ा डार्क ब्राउन कलर को भी, और फिर ब्लेंड करने के बाद फिर से ब्लैक कलर पेंसिल से बियर्ड के हेयर्स को ड्रॉ करना है रेफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके, और बिल्कुल छोटे छोटे हेयर्स को भी ड्रॉ करना है क्योंकि तभी आपको रियलिस्टिक दिखने को मिलेगा। और लिप्स के लिए यहाँ पर मैं पिंक कलर पेंसिल को यूज़ कर रही हूँ पहले, और पिंक कलर पेंसिल को अप्लाई करने के बाद मैं उसके ऊपर ब्राउन कलर पेंसिल को यूज़ करूँगी। तो अच्छे से देखना मैं कैसे कर रही हूँ, अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में बोलना। और हेयर्स में भी आप डायरेक्ट ब्लैक कलर को यूज़ मत करना, पहले डार्क ब्राउन को यूज़ कर लेना, देन रेफरेंस फोटो को देख के
धीरे धीरे हेयर्स के स्ट्रोक्स को अप्लाई करना। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। एंड ब्राउन कलर से हेयर्स के स्ट्रोक्स को देने के बाद ब्लैक ऑयल पेस्टल कलर से हेयर्स के स्ट्रोक्स को देना। जैसे जैसे रेफरेंस में हेयर्स के स्ट्रोक्स है वैसे ही यहाँ पर भी स्ट्रोक्स को देना। तो देखिए जैसे कि मैंने बोला कि कलर को अप्लाई करने के बाद ब्लेंड करना है, तो हेयर्स में भी सेम। और ब्लेंड करने के बाद हाईलाइट देना है, तो हाईलाइट के लिए मैं यहाँ पर वाइट ऑयल पेस्टल को यूज़ करूँगी। तो अच्छे से देखना वीडियो को। तो देख सकते हो यहाँ पर मैं व्हाइट ऑयल पेस्टल से हेयर्स में हाईलाइट कर रही हूँ ऐसा करके।
तो गाइस ऐसे ही आप ऑयल पेस्टल से पोर्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हो और शेडिंग्स वगैरह कर सकते हो। और अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट में बोल देना, मैं अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। हे गाइस, आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है। तो ऐसे ही मैं ऑयल पेस्टल से पोर्ट्रेट ड्राइंग करती हूँ, और अगर आप लोगों को फिर भी समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बोलना, मैं नेक्स्ट टाइम और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। और अगर आप इस वीडियो देख के यही ड्राइंग करोगे तो मुझे इंस्टाग्राम पर टैग कर लेना, मैं आपका ड्राइंग मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरी पर डाल दूंगी। और मुझे इंस्टाग्राम पर अभी भी फॉलो नहीं किए हो तो जाके फॉलो कर लेना, मेरी यूजर नेम है आर्टिस्टिक प्रियाश्री। गाइस, वीडियो अगर आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय।